नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत आज फिर सेलिब्रेट कर रहा हूँ, पर एक नई मोटिवेशन स्टोरी भी लेकर आया हूँ। और जो हमारे राजकुमारी जी नर्सिंग असिस्टेंट हैं, इनका कल बर्थडे है, तो मैंने आज ही मनाने का सोच लिया है। तो सभी स्टाफ को मेरी तरफ से पार्टी, और पहले मैं बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, आपको ठीक है ना, वेलकम। अब एक मोटिवेशन स्टोरी भी मैं लेके आया हूँ, उसमें आप सभी के लिए है, जो भी देख रहे हैं वो समझें। एक बार क्या होता है, एक मूर्तिकार होता है, तो उसके एक छोटा बच्चे का जन्म होता है, तो वो भी बहुत छोटी उम्र में ही मूर्तियां बनाने लग जाता है। पर उसके पिताजी हमेशा उसको डांटते हैं, और वो हर बार अपनी मूर्ति में नया इंप्रूवमेंट करता है। देखते ही देखते उसकी मूर्तियां बहुत अच्छी होने लगती है, और उसके पिताजी से भी ज़्यादा महंगी बिकने लगती है। पर फिर भी वो मूर्तिकार उस बच्चे को समझाता है और हर वक्त डांटता है कि तेरी मूर्ति में अभी ये कमी है, तेरी मूर्ति में अभी ये कमी है, पर वो अपनी कमियां सुधारता रहता है। एक दिन उसके मन में विचार आता है कि मेरी मूर्तियां मेरे पिताजी से भी ज़्यादा महंगी बिकती हैं, और फिर भी मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं। तो बोलता है, रहने दीजिए पिताजी, आपके बस की बात नहीं है, आप मुझे फालतू ही डांटते हैं। ये जो मैं मूर्तियां बनाता हूँ, आपसे अच्छी बनाता हूँ और आपसे महंगी बेचता हूँ, तो अब मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तो उसके पिताजी बड़े दुखी मन से चुप हो जाते हैं और चले जाते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे जो बेटा होता है, उसकी मूर्तियों की में लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगता है, उसका दाम गिरने लगता है, और वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाता। फिर वो अब सोचता है कि ये क्या हुआ। फिर वो अचानक एक दिन अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अब मेरी मूर्तियों का दाम क्यों नहीं बढ़ रहा, और क्यों मेरे जो कस्टमर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो पिताजी उसके ये बोलते हैं कि जो मैं कमियां निकालता था, उस कमियों से ही तुम्हारे मन में एक इच्छा जागती थी कि मुझे और अच्छा करना चाहिए, और अच्छा करना चाहिए। इससे तुम हमेशा बेस्ट करते थे, और उस बेस्ट करने से ही तुम्हारी मूर्तियों का दाम बढ़ता था। पर अब क्या है, तुमने सेटिस्फाई हो गए कि मैं ब्रिलियंट हूँ, मैं सबसे आगे हूँ, ये सोच लिया, तो अब तुम्हारा डेवलपमेंट रुक गया है, और ये जो दुनिया है इसको अपडेटेड चाहिए, हर समय आगे बढ़ता रहना चाहिए। अब मैं इससे आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि ऐसे ही डॉक्टर्स का प्रोफेशन भी है। अगर कोई डॉक्टर ये सोच लेता है कि मैं बेस्ट हूँ, अब मुझे कुछ नहीं सीखना है, तो समझ लीजिए उसका डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ उसी दिन स्टॉप हो जाएगी। तो आप किसी भी फील्ड में हैं, आपको आगे बढ़ते रहना है और कुछ ना कुछ नया सीखना है, और हमेशा एक ही बात याद रखें, अनसेटिस्फैक्शन, कभी भी आप सेटिस्फाई ना हो। और लास्ट में मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा, अगर मेरे साथियों में से कोई कुछ कहना चाहता है तो वो भी कुछ कह सकता है। फैमिली सर, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार एंड बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।